हेलो गाइस, वी आर बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है राहुल। नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना कोई बात नहीं, अभी तो सुन लिया ना। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं मेरे गांव में हूँ और पीछे आपको तालाब दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगभग आज से 15 साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी तो पूरा तालाब पानी से छलो छलो हो गया था और बीच में भी जो कुआ है वो भी डूब गया था। तो वो पानी सीधा वहीं साबरमती नदी में जा रहा था। तो तब ये सभी किनारे नहीं थे तो सारा पानी बहकर खेतों में जा रहा था। और वो रही सामने पानी की दो टंकियाँ। हमारे गांव में पानी की दो टंकियाँ है, आप देख सकते हो। मैं और मेरे दादाजी हम दोनों बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। जब चालू एक्सेस पर मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो वो मुझे सही से आंसर ही नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से मुझे हंसना भी आ रहा था। हर साल की कंपैरिजन में इस साल बारिश भी अच्छी हुई थी और फसल भी अच्छी हो रही थी, तो मैं उनसे इस बारे में ही आंसर कर रहा था और मेरे क्वेश्चन का आंसर वो दे रहे थे। और अभी वो मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड आ रहा है। वो क्या कर रहा है? अरे लगता है इसको कैमरे में आना ही नहीं है। चलो वो कोई बात नहीं। और अभी हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऊपर काले काले बादल और नीचे वाइट रोड, मतलब एकदम ऑसम व्यू देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से हमको अच्छी वाली रील भी बनानी है तो वो भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी, विदाउट एनी फिल्टर। बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है हमको यहीं पर। और वो सामने वाले खेतों में बहुत ही अच्छी सी हरियाली छा गई है और ये मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है हाय। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम सभी खेतों में अच्छी तरीके से पानी आ गया है तो अच्छी फसल भी होने वाली है और नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया सा दिख रहा है आपको। यहाँ पर रोड भी अच्छी है तो एक्सेस चलाने का मज़ा भी बहुत ही आ रहा है। और अभी हम दोनों बातें करते करते घर की ओर जा रहे हैं। शुक्र है कि अभी बारिश नहीं हुई है, वरना हम दोनों बीच रास्ते में भीग जाते। अच्छा होता अगर बारिश होती तो भी कोई वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे फसलों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो अभी पीछे भी आप देख रहे हो, जो भी खेतों में पानी नहीं है वहाँ पर पानी लाने के लिए जो साइड पर नहर है वहीं से पानी लिया जाता है ताकि अच्छी तरह से फसल हो सके। और अभी यही मेरे गांव का नाम इसपारा। अभी तो मैं मेरे गांव में नहीं रहता हूँ, पर जब भी मैं मौका मिलता है तभी अपने घर पर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मज़ा आ जाता है घर पर जाने का भी। और ये सामने की ओर अभी हम दोनों यहीं से पेट्रोल पंप से निकले हैं और आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं ताकि बारिश होने से पहले हम अच्छी तरीके से घर पर पहुंच जाए और कोई बीमारी भी ना फैलाए। वैसे तो आज का मौसम बहुत ही शानदार दिख रहा है। जैसे आप देखो कि बादलों ने भी अपने चेहरे पर फिल्टर लगा लिया हो, मतलब ब्लैक ब्यूटी की तरह दिख रहा है। काले काले बादलों में अभी नीचे वाइट रोड, बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको भी। अभी जो मैं जहाँ पर भी मेरा गांव है उसके जस्ट बाजू में एक और गांव पड़ता है, इसका नाम था वो वरसडा। तो अभी आप देख सकते हो कितना बहुत ही शानदार व्यू नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर एक दो अच्छी वाली रील भी बना लूँ, पर क्या कर सकते हैं, भी मेरे पास कुछ नेक्स्ट वाला प्लानिंग नहीं है। तो फिर मैं अपने घर की ओर अभी बढ़ रहा हूँ और घर पर जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। जब मैं घर पर आया तब पता चला कि बारिश शुरू हो गई है और जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ वो तो आउट ऑफ विलेज है, मतलब अपने अपने काम की वजह से वो लोग
क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर नहीं आ पा रहे, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे क्रिकेट ही खेलना है, तो फिर दो प्लेयर की भी क्या ज़रूरत जब सामने दीवार हो। तो अभी मैं अपने हिसाब से क्रिकेट खेलता हूँ। तो चलिए अभी एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुनते सुनते अभी मैं आपको क्रिकेट के कुछ बेहतरीन शॉट दिखाने वाला हूँ इस बारिश में भी। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you.